तरीके कैसे सोचने की इज इट लॉस थॉट और लॉस थॉट्स और क्या आपको लगता है कि ये बुक एफिशिएंट है इस कांसेप्ट को क्लियर करने में तो चलिए डिस्कस करते हैं हेलो एवरीवन माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक आज मैं फिर से आई हूँ हमारी रेफरेंस बुक सीरीज के साथ और जो सब्जेक्ट मैं टेक करने वाली हूं है थॉट्स तो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले आती है हमारे है, है मेरी। इसका जो पहले का एडिशन सामरी फॉर्म भी दिया रहता था, था अभी आई थिंक वो आना बंद हो गया है वो तो एग्जाम के एक दिन पहले भी काफी हेल्पफुल रहता था इस बुक में केस लॉस बंच में है जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने में बहुत हेल्प करेंगे लैंग्वेज बहुत ही लेमैन और लूसिड है और इस बुक में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मोटर व्हीकल्स के भी कंसेप्ट मिलेंगे तो भले ही आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो या आप स्टूडेंट हो सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो आप इस बुक को ऑप्ट कर सकते हैं अब आते हैं दूसरी बुक पे जो कि है पी एस ए पिल्लई के बुक और अवतार सिंह की बुक ये दोनों बुक्स फॉलो करने के लिए तो नहीं बट रेफरेंस बुक के लिए अच्छी हैं अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी ग्रे एरियाज है तो आप इन बुक्स के लिए जा सकते हैं दीज बुक्स आर गुड बट फॉर रेफरेंस पर्पजेस अब आते हैं हमारी नेक्स्ट बुक के पास जो कि है रतन लाल और धीरज लाल की बुक ये बुक कमेंट्री फॉर्म में है स्टूडेंट्स के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी ये बेसिकली रिसर्चर्स अकेडमिशियंस और प्रोफेशनल्स के लिए तो इन दैट केस यू कैन ऑफ फॉर दिस बुक अब आते हैं अदर बुक्स पे जो कि बेसिकली गाइड्स है जो कि मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ एक कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए नहीं है ये सिर्फ कंपाइल मैटर को एक जगह चेकआउट करने के लिए है और आप हमेशा इन्हें यूज करने से पहले इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें रेगा सूर्या राव जैन राचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वहां के मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं मैंने पहले भी बताया था वहां का कंटेंट आपको रिसर्च फॉर्म में मिलता है और आप कॉम्पिटेटिव हाँ। एग्जाम दे रहे हैं इन दैट केस तो ये था मेरा रेफरेंस बुक सीरीज अबाउट लो ऑफ थॉट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और ही वीडियोस के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट